गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी सेकंड से यानी महाभारत से चैप्टर नंबर 24 मंत्रणा पढ़ेंगे। इसके पहले आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था विराट का भ्रम। तो राजा विराट के यहाँ पांडवों ने शरण ली थी अपने अज्ञातवास में, यानी एक वर्ष का समय व्यतीत किया। यहाँ पे अपना नाम छुपाकर ये लोग रह रहे थे। कौन कौन? पांचों पांडव और उनकी पत्नी पांचाली। तो जब दुर्योधन को पता चला कि ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने विराट नगर पे आक्रमण करने की सोची। आक्रमण किया और वहाँ अकेले ही अर्जुन ने सबको परास्त किया। उसके पहले ही अज्ञातवास का उनका समय व्यतीत हो चुका था। तो इसके बाद उनका दूत भी आया, दुर्योधन का दूत आया, फिर भी कोई बात नहीं हुई। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वही मंत्रणा पढ़ते हैं कि इसके बाद इसके पश्चात क्या हुआ था। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज में स्थित उपलब्ध नामक नगर में जाकर अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलब्ध आ पहुंचे। काशीराज और वीरसेन भी अपनी दो अक्षणी सेनाओं के साथ युधिष्ठिर के नगर में पहुंच चुके थे। पंचाल नगर ध्रुव पर तीन अक्षौहिणी सेना लाए, उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई दृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां पर आ पहुंचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ को साथ में लेकर पांडव की सहायता करने के लिए उपलब्ध में पहुंच चुके थे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके पश्चात विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे हुए थे। विराट राजा जो थे उनके पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे हुए थे। द्रुपद के पास बलराम और सात्विक थे। और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभी लोग वहां पे विराजमान थे। सभा में सबने अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण खड़े हुए और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचे जाएं जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, बिना युद्ध के लाभप्रद हो। कोई ऐसी युक्ति सुझाइए आप, न्यायोचित हो और जिनमें पांडव का तथा कौरव का यदुवंश बढ़े, उनका सुसह हो, उनका वंश बढ़े। जो राज्य दृष्टि से छीन लिया गया उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उससे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। ऐसी बातें की जाए कि पांडवों से जो राज्य छीन चुकी है उसे वो वापस कर दे और दोस्ती कर ले। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाए जो इस बात को बकायदा अच्छे तरीके से दुर्योधन को समझा सके। तब बलराम उठ खड़े हुए और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज मिला था, वे उसे जुए में हार गया, अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए हुए अपने राज को प्राप्त कर सके तो उससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई, अगर युद्ध न हो तो। बलराम के कहने का सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज गवाया था। जानबूझकर युधिष्ठिर गवाए थे। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडव का हृदय से सात्विक बहुला हो उठा, उससे रहा न गया। वह उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से उन्हें हराया गया। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उसके साथी जो यह चिल्ला पुकार मचा रहे
और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन वगैरह युद्ध के लिए ही मानेंगे, युद्ध के बगैर युद्ध के मानेंगे नहीं मेरी राय में। इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझ की बात होगी। सात्विकी इस दृढ़ता को और जोरदार बातों से राजा ध्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्विक ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है। मैं उठकर जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा दृष्टद्युम्न के पास अभी से किसी मेरी राय में राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। राजा ध्रुपद के कहे पर राजा ध्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पंचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरव का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि पुत्रा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। ध्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए जो आप आचार्य मेरे हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथ ही हैं। इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो सभी लोग अपनी तरफ से तैयार हो जाए और हमें भी कहला भेज दें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों द्वारा द्वारिका को लौट गए। विराट, ध्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारी करने लग गए। चारों दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का आदेश भी दे दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेनाएं सुसज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगे, उधर दुर्योधन भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान लगाकर तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों का संदेश भेजा जिससे सेनाएं इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचे। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए हैं। स्वाभाविक द्वारिका के लिए रवाना हुए। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारिका पहुंचा ठीक उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच गया। श्री कृष्ण के भवन में ये दोनों एक ही साथ प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उसके निकट के संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटक सेनागार यानी जहाँ कृष्ण भगवान सोते थे वहां चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। श्री कृष्ण के पैताने ही और अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़े खड़े रह गए, यानी पैर के पास खड़े रह गए। श्री कृष्ण की नींद पूरी तो उन्होंने सामने अर्जुन को देख खड़े देखा। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और उसके भी कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण भी पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडव के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले होता है। आप विद्वान जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक भी हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और सबसे पहले मेरी सहायता करें, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाहों में तो दोनों ही बराबर है, इसलिए कर्तव्य बस से जो मैं दोनों को ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई गई हुई प्रथा जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरह होकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं।
उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो, तब निर्णय करो कि इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए। जो चाहिए वो तुम ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या न उठाएं, आप चाहे लड़े या न लड़े, मैं तो आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही, वह सोचने लगा अर्जुन ने खूब धोया धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही अपने हाथों से गवा दिया। यह सोचता हुआ हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा और उनको सारा हाल सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें पहले ही हो गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बातें छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी है, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना, मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध से तटस्थ रहूंगा क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं, जिधर कृष्ण नहीं रहेगा उधर मैं नहीं रहूंगा, अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं। इस कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा, मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा, यानी मैं अलग ही रहूं वही अच्छा है। हस्तिनापुर को लड़ते हुए दुर्योधन का दिल बिल्लियों उछल रहा था। वो सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर पंगे से है ही, श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेनाहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी में पहुंच गया। कृष्ण ने पूछा, सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? अर्जुन बोला, ये बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इस तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की, यानी पार्थ अर्जुन के सारथी बनने का गौरव श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान को मिला। मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ मांद्री के भाई थे। जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने भारी सेना इकट्ठी की और उन्हें लेकर पांडव की सहायता के लिए उपलब्ध की ओर रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते तो उनकी सेना का पड़ाव कोई डेढ़ योजन तक लंबा चौड़ा फैल जाता। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडव की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया। अपने कुशल कर्मचारियों को उन्होंने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य और उसकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधाएं पहुँचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन का आदर सत्कार का कुछ ऐसा अवसर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने वाले प्यार करने योग्य भांजो यानी पांडव को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलब्ध के राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। जब हावी युद्ध की चर्चा चली तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने का मन हो गया इसलिए पूछ लिया। मद्राज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उनकी ही ओर से करना होगा, पर एक बात बताए देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलब्ध ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्राज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है, अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश निश्चित है और सर्वनाश होगा। तो स्टूडेंट ये था महाभारत चैप्टर नंबर 24 मंत्रणा, यानी युद्ध की तैयारियों की मंत्रणा कैसे की गई है आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।